भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर आत्महत्या के लिए उकसाने और बाल श्रम जैसी गंभीर धाराओं में मामला पहले से ही दर्ज है, लेकिन अब एक और मामले में जाहिद बेग फंस गए हैं। दरअसल जाहिद बेग सेशन कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे, इस दौरान एक घटना घट गई। उन पर आरोप है कि जब वे आत्मसमर्पण करने के लिए कोर्ट में पेश हुए तो उस समय उन्होंने एक पुलिस अफसर की वर्दी फाड़ दी और उसके साथ मारपीट भी की। इस अभियोग में सपा विधायक जाहिद बेग पर तीसरी FIR दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने भी चुप्पी साध ली है और अधिकारियों ने मामले में बात करने से इनकार कर दिया है। ये मामला 19 सितंबर का बताया जा रहा है, जब भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक खुद पर लगे आरोपों के चलते सरपताहा स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में सरेंडर करने के लिए आए, जिसके बाद उन पर वर्दी फाड़ने और मारपीट करने के आरोप में उन पर FIR दर्ज कर दी गई। बताया जा रहा है कि वे लगभग 11 से 12 बजे के बीच चोरी छिपे न्यायालय में पहुंचे थे। पुलिस अभी तक उनकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने इस आरोप में उन पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 121(2), 132 और 231 के तहत तीसरा मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वाह क्या खूब है, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार, सच के खिलाफ झूठी FIR। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाहिद बेग ने खुद पर दर्ज मुकदमों से बचने के लिए अपना हुलिया बदल दिया है। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी कटवाकर दुपट्टे से मुंह ढका और न्यायालय में प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां देखा और उन्हें पकड़ने के लिए गए और रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि बीती 9 सितंबर को किसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाहिद बेग के घर में तलाशी ली, जिसमें पुलिस ने पाया कि जाहिद बेग के घर में एक 17 वर्षीय लड़की का शव लटका हुआ है। पुलिस की जांच के मुताबिक नाबालिग लड़की विधायक के घर में काम करती थी। इसके ठीक अगले दिन यानी कि 10 सितंबर को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सहित कुछ अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों ने विधायक जाहिद बेग के घर में छापा मारा, जिसमें छानबीन में उन्होंने एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को भी उनके घर में काम करते हुए पाया। इन दोनों घटनाओं की वजह से उन पर जान देने के लिए उकसाने और बाल श्रम के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों मामलों में बाल तस्करी, किशोर न्याय अधिनियम और बंधुआ मजदूरी अधिनियम के मामलों में केस दर्ज करवाया। इस केस में बाद में उनके बेटे जैन बेग की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनकी पत्नी अब भी फरार बताई जा रही है। अब उनके खिलाफ तीसरी FIR दर्ज हुई है, जिसके बाद जाहिद बेग को नैनी जेल भेज दिया गया है और उनके पुत्र को वाराणसी जेल में शिफ्ट किया गया है।